Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज़? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो गाइज़, आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी शादी किससे होगी. ठीक है, कौन होगा वो पर्सन जिनसे उनकी शादी होगी, कैसा होगा वो, तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के अंदर गाइज. उससे पहले यहाँ पे मैंने दो पायल्स रखी हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है. सबसे पहली जो पायल है यहाँ पर कार्ड है, वो पिक अ कार्ड में विशेस फुलफिल्ड है. विशेस फुलफिल्ड ये पहला कार्ड है, पायल नंबर वन, विशेस फुलफिल्ड. जिनको भी ये पायल अट्रैक्ट कर रही है, पायल नंबर वन अट्रैक्ट कर रही है, आप पायल नंबर वन चूज कर सकते हैं, उसकी मैं रीडिंग करूंगी. फिर आती है पायल नंबर टू, यू आर लव्ड. पायल नंबर टू, यू आर लव्ड. ठीक है, ये कार्ड है पायल नंबर टू का. तो आप दोनों में से कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं. जौन सा भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप इंट्यूटिवली सोचें, समझें कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, विशेस फुलफिल्ड या फिर यू आर लव्ड. इसमें से कोई भी एक कार्ड आप चूज कर सकते हैं. उससे हम ये जानेंगे, जो भी कार्ड आप चूज करेंगे उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी और फिर हम ये जानेंगे कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर, आपके जो भी जिससे भी आप शादी करेंगे वो कैसा होगा, कौन होगा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे. ओके गाइस, पायल नंबर वन एंड पायल नंबर टू. ओके, आई होप आपने पायल सेलेक्ट कर लिया होगा गाइस. सो स्टार्ट करते हैं पायल नंबर वन से. जिन भी लोगों ने विशेस फुलफिल्ड चूज किया है, ओके, कैसे होने वाले हैं आपके पर्सन, आपकी शादी किससे होगी, आपकी शादी किससे होगी, वो कैसे होंगे. फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ वंड्स. ओके, द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल. Six of Swords, Strength, Judgment, Seven of Pentacles. Okay, bottom of the deck, Two of Cups. Amazing guys. विशेस फुलफिल्ड जैसे आपने चूज किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई ना कोई विश तो डेफिनेटली पूरी होने वाली है. और मुझे ऐसा लगता है ये जो भी पर्सन है जिसके साथ भी आप अभी डील कर रहे हैं या फिर आपकी जिससे शादी होने वाली है, आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं. इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं, आपकी जान पहचान हो रखी है. ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से जैसे ना आप वेट कर रहे हैं कि आपको राइट पर्सन कब मिलेगा. ठीक है, क्या होगा आपकी लाइफ में, आगे चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी, क्या रखा है आपकी लाइफ में, आपको ये जानने की बहुत एक्साइटमेंट है. और अब आप जानना चाहते हैं और अब सेटल्ड लाइफ जीना चाहते हैं. मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है गाइज. ये जो पर्सन होंगे ये आपके सोलमेट कनेक्शन है. आप या तो इनसे मिल चुके हैं, फिर आपका ऑन एंड ऑफ चलता है, या फिर पहले मिल चुके हैं, अब थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर. ओके, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज. यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके सोलमेट, जिनके साथ भी आपकी शादी होगी, वो आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे. आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अमेजिंग होने वाली है ना गाइज, इतनी अमेजिंग होने वाली है, मैं आपको बता नहीं सकती. बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी आपकी. आप सोलमेट्स होंगे, जैसा आप सोचते होंगे वैसा ही वो सोचते होंगे. जैसी आपकी लाइकिंग्स है वैसी ही उनकी लाइकिंग्स होंगी. जैसे आपकी डिसलाइकिंग्स है, उन्हीं चीज़ों को वो डिसलाइक करते होंगे. बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है. जैसी आप मिलेंगे, आपकी लाइफ में एक अलग सा चेंज आएगा, बहुत पॉजिटिव सा चेंज आएगा. इमोशनली
बहुत सैटिस्फाइड लाइफ आप जिएंगे इस पर्सन के साथ. आप अगर आप बहुत टाइम से ऐसा सोचते हैं कि इसमें पेशेंस नहीं है या मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके अंदर पेशेंस हो, जो कि अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि लविंग होगी, आप हमेशा चाहते हैं एक पर्सन में कि वो बहुत पेशेंट होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, वो चेंज ना हो. बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं. जैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप जिन भी पर्सन के साथ आप रहे हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं और एक बैलेंस नहीं है. स्टेबिलिटी होगी, पर्सन स्टेबल होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा, अपने माइंड को यूज़ करेगा और आपको हमेशा खुश रखेगा, आपका दिल नहीं दुखाएगा ये पर्सन, ठीक है, जिससे भी आपकी शादी होगी आगे जाकर. ओके, हो सकता है आपसे एज में छोटे हों ये पर्सन, सबके लिए नहीं है गाइस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है. ओके, ये पर्सन आपसे छोटे हों और आप दोनों के अंदर एज गैप हो. मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे बहुत सोच समझकर थोड़ा टाइम लेंगे और फिर ये पर्सन जैसे कि आपके पास आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे और फिर आएंगे, एकदम जल्दबाजी नहीं करते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पर. बहुत ही खूबसूरत आपकी अबंडेंट लाइफ होगी इस पर्सन के साथ. वेल्थ के मामलों में आप प्रेगनेंसी भी मैं देख रही हूँ, कुछ लोग की यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगी, या फिर अगर आपको जैसे आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे होंगे वैसे होंगे, वैसे ही ये भी अपने बच्चों के लिए बहुत केयरिंग होंगे, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को समझ सूझबूझ से समझ कर और फिर आगे बढ़ने वाले पर्सन होंगे. और जैसे कि ना बहुत लकी होंगे आपके लिए, जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे ना बहुत कुछ पॉजिटिव होगा आपके साथ, और एकदम से जो चीज़ें रुकी हुई हैं ना आपकी लाइफ में वो बढ़ जाएंगी. आप देख रहे हैं यहाँ पे बटरफ्लाई भी, कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस कि बहुत खूबसूरत सा चेंज होगा. बटरफ्लाई हमेशा एक बहुत पॉजिटिव चेंज को लेकर आती हैं और बहुत खूबसूरत चेंज होगा आपका जब भी आप इस पर्सन से मिलेंगे. आपकी शादी होगी, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा और मुझे ऐसा दिख रहा है हेल्थ वेल्थ सक्सेस सब कुछ मिल जाएगा आपको. आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रह रही हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगी. फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन और आपकी अट्रैक्शन भी एक बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी आप दोनों के बीच में. एक मैग्नेटिक चार्म मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में. और यहाँ पे गाइज ये मुझे ये दिख रहा है कि स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत होगी इस पर्सन में चीज़ों को झेलने की, समझने की, आगे बढ़ने की बहुत क्षमता होगी. कोई भी चीज़ आसानी से गिव अप नहीं करेंगे. बहुत बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन दिख रहे हैं मुझे ये वाले. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ना शिफ्ट करेंगे कहीं शादी के बाद, या तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आप कहीं दूर जाएंगे, या फिर ये पर्सन की कहीं आउट ऑफ इंडिया शिफ्टिंग भी हो सकती है, या फिर अब्रॉड से ही ये पर्सन होंगे ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या आप यहाँ से कहीं दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, या अगर वो बाहर रहते हैं तो वो इंडिया आ जाएंगे और इंडिया रहते हैं तो बाहर चले जाएंगे, या फिर मुझे कोई चेंज ऑफ प्लेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों के बीच में. यस, आप दोनों के साथ, मतलब बीच में, एज इन कि आप दोनों का मुझे चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है कि आप भी शिफ्ट होंगे तो कहीं दूर जा सकते हैं, कहीं दूर का होगा आपके आसपास का, बहुत ज़्यादा आसपास का नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है. बहुत हिम्मत है इस पर्सन में, कुछ भी झेलेंगे. और इतना मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि किसी भी चीज़ को ये पर्सन लेंगे ना तो इनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है कि उसको काम को पूरा करेंगे, चाहे डिले से हो बट पूरा करेंगे. बहुत जोश और बहुत स्ट्रेंथ भी इस पर्सन के अंदर है. ओके, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही खूबसूरत होगी. चाहे कुछ भी हो आपके रिलेशनशिप्स में, क्या होता है ना कभी रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बट आपस में कपल की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है जिससे कि वो समझ पाए, उस चीज़ को समझ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ. इस पर्सन में इतनी हिम्मत होगी, इतनी समझ होगी, ये चीज़ों को जल्दी ख़त्म करेंगे. अगर ये इनको कोई बात बुरी भी लगी है तो आके आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे आके बात करेंगे, और फिर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने वाले पर्सन होंगे, ज़्यादा लिंगर ऑन करने वाले पर्सन नहीं होंगे. आपसे बातचीत करने में ये बहुत विश्वास रखेंगे कि कम्युनिकेशन से ही बातें जो हैं, अगर हम बातचीत करें, अगर किसी के भी मन में कोई बात है तो ये उस टाइप के पर्सन होंगे कि आप बात करो, अगर आपके मन में कोई बात है तो आप बात करो, अपने मन में सोचते मत रहो, ठीक है.
अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, बोलने में ये पर्सन बहुत अच्छे होंगे, जिस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, एक गुड स्पीकर होंगे, ठीक है, और मन इनका बहुत प्योर होगा। हो सकता है अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया तो वो पर्सन से आपका रिकन्सिलिएशन हो और उन्हीं से आपकी शादी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। गाइज, इस पर्सन का बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, जिस ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं ना इतने टाइम से, कि यार ये नहीं हुआ मेरी लाइफ में, वो रह गया, ये काम पूरा नहीं हुआ, ऐसा मैं चाहती थी, वो सब चीज़ें ना जैसे आपकी फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही हैं। बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हैं। अबंडेंट लाइफ आपकी होगी, हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, लव, लक, सब कुछ आपके पास आएगा जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। एक इमेंस ग्रोथ होती हुई मुझे आपकी दिख रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई भी बहुत ज़बरदस्त मुझे आपकी दिख रही है जब आप इस पर्सन से मिलेंगे और आपकी शादी होगी। ओके, तो अब हम ये देखते हैं गाइज कि इनिशियल्स क्या बोलना चाह रहे हैं, इनिशियल्स क्या कह रहे हैं, क्या इनिशियल हो सकता है आपके पर्सन का। ठीक है, जरूरी नहीं है गाइज कि इनिशियल्स आपके मैच हो सकता है हो भी, हो सकता है नहीं भी हो सकता है आने वाले पर्सन के उस इनिशियल्स हो। ठीक है, ओके, यहाँ पे पहला है जी, then we have got Q, I, V, F, K, D, H, P, N, S, M, J, and the last is C. Again, मुझे एक बहुत खूबसूरत सी butterfly दिखी है। अमेजिंग गाइज, बहुत अच्छे चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। आप जब इस पर्सन से मिलेंगे ना, आपको खुद भी स्टमक में बहुत बटरफ्लाइज फील होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में। Calling in your soulmate. Okay, guys, ये आपके soulmate होंगे तो बात पक्की है, और आप जिस आपकी prayers, आपकी affirmations, आपकी visualizations help कर सकती हैं आप दोनों को साथ में आने में। हो सकता है आपको साथ में आने में बहुत problem हो रही है क्योंकि soulmates का मिलना भी इतना आसान नहीं होता है, तो आप visualize करिए, आप जैसे सोचते हैं आप उसको अपने साथ देखते हैं, जिस हिसाब से अपने person को, अपने life को आप जिस हिसाब से देखते हैं इस person के साथ, उस हिसाब से आप imagine करें, आप सोचिए अपने मन में, affirmations भी करें और prayers भी करें, भगवान से आप मांगें, ठीक है ना, कि मुझे ये इस हिसाब से मुझे अपनी लाइफ चाहिए। स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके प्रे मत करिए, आप ऐसे प्रे करिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, मेरी लव लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो और मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर जो है बहुत ही अच्छा मिले, जैसी आप चाहते हैं, जैसी आपकी क्वालिटीज हैं वैसा मिले। तो स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके मत करिए, क्योंकि गाइज ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है जिस पर्सन को हम टारगेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं वही हमारे लिए बेस्ट हो। हो सकता है भगवान हमको क्या देना चाहते हैं, तो आप उन्हीं पे छोड़ दीजिए कि वो क्या देना चाहते हैं, आप बस इतना बोलिए जो आप चाहते हैं कि हम मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए, दैट्स इट। ओके गाइस, और क्या है रोमांस एंजल्स और क्या बताना चाह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो गाइज, बहुत ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ मुझे डल और डार्क जैसे अभी हो ऐसा दिख रहा है। अभी बहुत ज़्यादा आप उस मोनोटोनस लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ भी स्पार्क नहीं है, आपको लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, आपने अपने अंदर की जो इनोसेंस है उसको ख़त्म कर दिया है, वो नहीं करना है आपने गाइज। थोड़ा लाइवली बने, थोड़ा सा फन अपनी लाइफ में लेकर आएँ, इन्जॉयमेंट लेकर आएँ, अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा करें, अच्छा अच्छा फील करें, तो वही आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे। वन मोर मैसेज प्लीज़, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। गाइज, आपको क्या करना है, आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है, जिसके लिए भी आपका प्यार है अंदर मत रहने दें, बाहर निकालें, एक्सप्रेस करें, क्योंकि हो सकता है आप जिस तरीके से
रह रहे हैं या सामने वाले के साथ बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है उनको उस हिसाब से आपका प्यार ही एक्सप्रेस नहीं आप कर पा रहे हैं, या उनको पता ही नहीं चल रहा आप कितना प्यार कर रहे हैं, राइट? तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. ओके, ओह, बॉटम ऑफ द डेक, सोलमेट. अमेजिंग गाइज, ये पर्सन आपके डेफिनेटली सोलमेट होने वाले हैं, और आप अपने सोलमेट से ही आपकी शादी होगी और आप दोनों मिलेंगे और ये पर्सन भी आपके सोलमेट हैं. ब्यूटिफुल. ओके, तो अब हम गाइडेंस मैसेज भी पिक कर लेते हैं. क्या आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस हैं? एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? नो, फर्स्ट कार्ड इज नो. फॉरगिवनेस, आपको किसी को माफी देने की बहुत जरूरत है. अनलाइकली, जैसा आप सोच रहे हैं शायद हो सकता है वैसा नहीं हो. एज इन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, तो उसका आंसर है नो एंड अनलाइकली. जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है. इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है. लास्ट कार्ड, बी असर्टिव, आपको असर्टिव रहना है. ओके, ठीक है, ये हमारे गाइज, ये थी आज की रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ. अगर आप जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और गाइज, मैं क्रिस्टल्स भी देती हूँ. अगर आपको किसी तरीके का कोई क्रिस्टल चाहिए है अपने आप को हील करने के लिए, या अपनी लव लाइफ को हील करने के लिए कोई रेमेडी चाहिए, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी चल रहे हैं. अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं. टिल देन, रखें अपना बहुत ख्याल. सी यू सून, बाय माय लवलीज. ओके गाइस, सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, यू आर लव्ड. क्या होने वाला है आगे? कैसे पर्सन उनको मिलेंगे? उनका लाइफ पार्टनर कैसे होने वाले हैं? उनके लाइफ पार्टनर, पाइल नंबर 2 के लाइफ पार्टनर कैसे होंगे? आपकी शादी किससे होगी? कैसे होंगे? आपकी शादी किससे होगी? वो कैसे होंगे? ओके, 3 of cups, ब्यूटिफुल. 5 of swords, 5 of cups. Queen of Cups, 6 of Cups, okay. Queen of Swords, beautiful. Okay, bottom of the deck क्या है हमारे पास? 3 of Wands. So guys, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हैं. बहुत ज़्यादा पैशन होगा आप दोनों के बीच में. आप दोनों की एनर्जी लेवल्स बहुत मैच करेंगे, जैसा आप पार्टनर चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आप में इन्वॉल्व हो, आपकी केयर करे, आपको कंसर्न दे, आपको घुमाए, आपको इंजॉय कराए, आप उसके साथ इंजॉय करें, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो आप दोनों के बीच में. शुरू से ही आपके माइंड में ऐसे रहा है कि जो मुझे समझ सके, जो मेरे साथ टाइम बिता सके, जो मेरे लिए सोचे, ठीक है, इस तरीके का पर्सन होगा ये. इंजॉय करने वाले पर्सन होंगे, घूमना फिरना, पार्टी करना, गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व होना और सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होना, आपको वहां पर अपने साथ लेकर जाना, आपके साथ घूमने में बहुत बिलीव करेंगे ये पर्सन. इनको बहुत शौक होगा घूमने का, एंजॉय करने का, साथ में टाइम स्पेंड करने का. और फ्रेंड्स को, जैसे फ्रेंड्स सारे आ रहे हैं और आप भी इनके साथ जा रहे हैं, तो इस तरीके का गेट टुगेदर्स भी इनको बहुत अच्छे लगेंगे यहाँ पर. ठीक है गाइज, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर से होंगे या फिर शादी के बाद दूर चले जाएंगे आप दोनों. आउट ऑफ इंडिया भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है.
ठीक है, या फिर जब आप ट्रैवल करेंगे तो ये पर्सन आपको मिले, या फिर आपने ट्रैवल किया हो तब भी ये पर्सन आपको मिले हो और आप वैसे भी इनको जानते हो, या आपने इनके साथ ऑलरेडी ट्रैवल किया है और आप आगे भी जाके इनके साथ ट्रैवल करते रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है गाइज। कभी कभी थोड़े एरोगेंट होने वाले पर्सन होंगे, जैसे कि इग्नोरेंट और एरोगेंट हो जाता है कभी कभी इंसान, गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी उतर जाएगा, और गुस्सा भी इसे और बाद में ना, गुस्सा करने के बाद में इनको बहुत रिग्रेट होगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं, हॉट ब्लडेड मुझे दिख रहे हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, एग्रेसिव हो जाना, इस तरीके से मुझे दिख रहा है ये पर्सन। हो सकता है जब ये आपसे मिलें, ठीक है, जब ये आपसे मिले तो हो सकता है इनका कोई ब्रेकअप हुआ हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई चीज़ें पीछे छूटी हो, बहुत मुझे परेशानी में हो सकता है, जैसे कि जब मूव ऑन का फेज़ हो तब ये आपको मिले, ठीक है, तब भी मुझे इस तरीके से भी दिख रहा है कि बहुत हर्ट होंगे जब आपसे मिलेंगे, इनकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा इमोशनली हुआ होगा, कोई लॉस हो सकता है इनका, किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप हो सकता है, इस तरीके की पोजिशन में मुझे पर्सन आपसे जब मिलेंगे इस तरीके से मिल सकते हैं यहाँ से। ओके, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन, इमोशंस की बहुत कदर करने वाले पर्सन होंगे, आपके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे अपने बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे होंगे आगे, आपकी लाइफ होगी उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, अपने बच्चों की बहुत कदर करेंगे, ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, पोजेसिव होंगे कि मेरे साथ टाइम बिताओ, मेरे को समय दो, ठीक है, इमोशनली इन्वॉल्व होना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं, केयरिंग पर्सन दिख रहे हैं, बहुत लविंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा लविंग दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे। ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है गाइज कि आपके पर्सन ये जो हैं सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, आपकी बहुत ही ज़्यादा केयर करेंगे, आपको सरप्राइज देना, आपको गिफ्ट्स देना, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करना, रोमांटिक डिनर डेट्स या रोमांटिक डेट्स मुझे दिख रही हैं, फ्लावर्स आपको देते रहना, हर ओकेजन को स्पेशल बनाने वाले पर्सन होंगे, हर छोटी छोटी बात की कद्र करना, ठीक है, इस तरीके के पर्सन मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ही ब्यूटीफुल से चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, जब भी आपको मिलेंगे तो बहुत अच्छे खूबसूरत चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन के थ्रू, एंड नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले पर्सन होंगे। हो सकता है आप कहीं वर्कआउट के लिए जाएं किसी पार्क में, या फिर कहीं बाहर कहीं जाएं पार्क में या कहीं वॉक के लिए, तो ये पर्सन आपको तब वहाँ पर मिले, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, बट ऐसे पर्सन होंगे कि अपने मन की बात, जैसे आपके साथ एक एक इमोशंस की आपकी कदर करनी और एक एक इमोशन आपको बताने, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स सॉरी सोलमेट्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सोलमेट कनेक्शन मुझे आप दोनों का दिख रहा है, और आप दोनों एक दूसरे के जैसा सोचते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आप ना इस पर्सन के साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज होंगी आपके इस पर्सन के साथ। हो सकता है पहले भी आप इनके साथ टाइम बिता चुके हों, ठीक है, और आप लोग का ब्रेकअप हो चुका हो, रिग्रेट हो इनको किसी बात का, और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में ये पर्सन हो या रिग्रेट में हो, और फिर आप दोनों मिले, इस तरीके से भी मुझे दिख रहा है। और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और हर ब्यूटीफुल चीज़ से अट्रैक्ट होने वाले पर्सन होंगे, फिजिकली भी अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोल्स दिख रहा है, बट ये पर्सन को हर बातें ना बहुत क्लियर तरीके से पसंद होंगी, इनको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, हर बात क्लियर करेंगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और जो मन में बात आएगी ना सीधा रख देंगे बस कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी मानो मेरी अपने चलाने वाले पर्सन भी होंगे, बट एक बारी आपने इनकी मान ली तो फिर आप जो बोलेंगे ये वैसे करेंगे। बहुत ही ज़्यादा लकी दिख रहे हैं मुझे पर्सन, जब भी आप इनसे मिलेंगे तो आपका भी लक फैक्टर बहुत एनहांस हो जाएगा, बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, गुड लक मुझे दिख रहा है, और हो सकता है कि अगर आप कोई कैट को देखें, जब भी कोई कैट को देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ये पर्सन जैसे आपको मिलेंगे, ठीक है, अगर आप कोई कैट को देखेंगे जो आपका आपके आसपास कहीं अचानक से, जानबूझकर नहीं, अचानक से आपको कोई कैट ऐसी दिख गई वाइट कलर की, उसके बाद ये पर्सन मुझे आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, और हो अगर हो सके तो आप उससे ये विश भी कर दें, प्रे भी कर दें कि प्लीज़ मुझे मेरे लकी जो भी मेरे सोलमेट कनेक्शन हैं या जो भी मेरे पार्टनर हैं लाइफ
लाइफ पार्टनर है उनसे मुझे मिलवाएं. ओके तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए. बट बहुत ही अमेजिंग कंपैटिबिलिटी होने वाली है. पैशन दोनों में ही बहुत है. दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं. एनर्जी लेवल्स आपके बहुत हाई होंगे दोनों के, और एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी. हर तरीके से कंपैटिबल मुझे दिख रहे हैं, इमोशनली, फिजिकली. बट ये बस थोड़ा सा है इस पर्सन में जो चेंज करने लायक है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी एरोगेंट हो जाते हैं, गुस्से में इस तरीके से बोल देंगे कि आपको कुछ बातें हर्ट हो सकती हैं. बस ओके, नथिंग एल्स. और मुझे देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है गाइज. इस पर्सन की तरफ से ही हो सकता है प्रपोजल आपके लिए आए. ओके यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मतलब या तो ये पर्सन पहले इनिशिएट करेंगे और आप भी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे इनका प्रपोजल. तो मुझे इस तरीके से दिख रहा है. बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है यहाँ पर. एंड अब मैं ये देखूंगी कि क्या आपको रोमांस एंजल्स बोलना चाह रहे हैं. उसके बाद इनिशियल्स भी देखूंगी. पहले रोमांस एंजल्स से पूछ लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में. वेडिंग, ब्यूटीफुल वेडिंग आपकी होने वाली है गाइस. इसी पर्सन से आपकी बहुत खूबसूरत शादी होगी. आप दोनों साथ रहेंगे हमेशा. और ये सोलमेट हैं आपके, जो बहुत हद तक यहाँ पर ये लग रहा है कि ये सोलमेट कनेक्शन है. एंड वेडिंग आपकी बहुत खूबसूरती से आपकी शादी होगी इनके साथ. एंगेजमेंट, ब्यूटीफुल गाइज. योर लव लाइफ इज सेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. आपको ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहना है. अपने रोमांस को बरकरार रखना है अपनी लाइफ के अंदर. आपने फेथ रखना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है. अगर यही सोचते रहेंगे ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर कुछ भी, कोई ताकत दुनिया की आपको उस पर्सन से नहीं मिलवा सकती है. फ्री योर सेल्फ. अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने खुद लेना है. ज़बरदस्ती पीछे बांध के नहीं रखना अपने आप को. अपने आप को फ्री रखें, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लें. Past life relationship, you have known each other before. या तो आप पहले से इस पर्सन को जानते हैं, इसी जन्म में भी पहले से जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि past life से ही आप इस पर्सन को जानते हैं. मुझे कोई deep connection दिख रहा है आप दोनों के बीच में. बहुत खूबसूरत deep connection मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है. Okay. अब हम ये देख लेते हैं कि इनिशियल्स क्या क्या हैं आपके और आपके पर्सन के इनिशियल्स. N, Q, P, F, M, V, H, B, T, U, C and L. ये आपके इनिशियल्स हैं. अब हम यहाँ पर गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं कि गॉड आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए. Ask for help from others. हो सकता है कोई और लोग आपकी मदद कर सके इस पर्सन से मिलने में. No. अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में जो आपको परेशान कर रहा है बहुत टाइम से, कि वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, वो किसी और के साथ तो नहीं है, या वो मेरे पास आएगा नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में, आप सोचिए. ठीक है, कि जो आपको परेशान कर रहा है वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए. उसका आंसर है नो. अगर आपको कोई भी डाउट है उसका आंसर भी नो हो सकता है. ट्रस्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन. आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है. बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल. कुछ बहुत खूबसूरत बड़े चेंजेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर. बहुत बड़े चेंजेस होंगे, इमेंस चेंजेस होंगे, और वो बहुत हैप्पी चेंजेस होंगे. आपकी लाइफ बदल देंगे. बॉटम ऑफ द डेक, परफेक्ट टाइमिंग. ब्यूटिफुल गाइज. सो परफेक्ट टाइमिंग है ये आपके लिए, और जल्द ही मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है.
सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द रीडिंग. अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंशन है, यहाँ पे भी मैं मैंशन कर दूंगी. और साथ के साथ गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता के जाइए कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग. और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी इसको शेयर करिए. जितना हो सके उतना शेयर करिए इस रीडिंग को. और मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. बाय.